सो हेलो गाइस, वीडियो चालू करने से पहले आप सभी को दिल से थैंक यू, क्योंकि आप हमारे चैनल पे हो चुके हैं 1K सब्सक्राइबर्स। एंड या ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है हमारे लिए। सो आज की ये वाली वीडियो भी बहुत ही स्पेशल है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त का एक चैनल है, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वो बहुत ही अच्छा मतलब गेमिंग के वीडियोज़ डालता है, आप देख ही सकते हो। सो आप चेकआउट कर सकते हो उसका चैनल। बिना टाइम सकुरा करें, लेट्स हिट अवर एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम काशिन कोजी को देखते हैं ज़मीन पर लेटे हुए। वो अपने आप ही कहता है कि मैं अपनी लेफ़्ट साइड यानी कि नीचे का पैर और मेरा लेफ्ट हैंड महसूस नहीं कर पा रहा। देन इसी के उत्सुकी उसको बताता है कि मेरे जुत्सी की एबिलिटी इतनी अच्छी है कि मैं जो चीज़ श्रिंक करता हूँ मैं उसे वापस रिस्टोर भी कर सकता हूँ। तो ये बोल के वो खुद की बॉडी को रिस्टोर करता है और वो अपने आप पर एक जैकेट ले लेता है। एंड उसके बाद ही वो अपने हाथ में एक ग्लास ले लेता है और उसमें एक ड्रिंक रहती है। एंड वो काशिन कोजी को बताता है कि इस ग्लास की तरह जो इसे पीता है वही जीतता है, और वो इस बात को काशिन कोजी को बताता है। और इसी की उसे बताता है कि तुमने आखिर मेरे से फाइट की और मुझे इतना डैमेज दिया, बट आखिर इसका तुम्हें क्या नतीजा मिला? तुम हार गए और मैं जीत गया, और मेरे को एक खरोच भी नहीं आई। और ये बात बोल के वो उसे बताता है क्या यही तुम्हारी शिनोबी की प्राइड थी। एंड देन वो उसको बताता है कि आमाडो ने जानबूझ के तुम्हें यहाँ पे भेजा है। ये बात तो तुम्हें और मुझे भी पता थी कि तुम मेरे से जीत नहीं पाओगे और तुम मारे जाओगे, बट फिर भी आमाडो ने तुम्हें यहीं पे भेज दिया। क्या ये तुम करना चाहते थे, और क्या ही इसलिए तुम मेरे से बदला ले रहे थे? एंड इस बात को बोल के वो उस ग्लास को फोड़ देता है। देन इशी की उसे मारने से पहले उसे पूछता है, मैं उन लोगों को मारने से पहले तुम अपने पुराने कॉमरेड्स को कुछ कहना चाहते हो? देन जो काशिन को जी वो कुछ बोलने वाला रहता है कि तभी इशी की बोलता है, हाँ मुझे कुछ सुनाई नहीं आया, और वो उसके सामने आके बैठ जाता है। देन जो काशिन को जी वो ज़ोर से समनिंग जुत्सु करता है और स्टीम टोड को समन कर लेता है। और जैसे ही स्टीम टोड आता है वो काशिन कोजी को अपने मुंह में पकड़ लेता है, और वो इशिकी के ऊपर हमला करने वाला रहता है कि तभी इशिकी बच जाता है। एंड देन जो स्टीम टोड है वो काशिन कोजी को बचा के वो अपने डायमेंशन में चला जाता है। एंड या गाइस, इसी से हम कह सकते हैं कि काशिन कोजी बच गया है। देन इशिकी कहता है डरपोक भाग गया, और वो इस बात को कह के बोलता है, अच्छा वो चला गया, मेरे पास अब और टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। और वो इस बात को बोल के कहता है, मैं आ रहा हूँ कावाकी। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो बोरुटो है वो नारुतो से आर्ग्यूमेंट कर रहा रहता है कि वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ फाइट में ज्वाइन होऊंगा और मुझे आपकी परमिशन चाहिए। देन नारुतो उसको बोलता है, नहीं तुम नहीं लड़ सकते, और मैं और सासुके ही उससे लड़ने वाले हैं। और वो बोरुटो को इस बात को बोल के उसे कहता है कि तुम इसमें बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा होगा। बट बोरुटो कहाँ सुनने वाला है, वो तो और बहस करने वाला है। बोरुटो उसको बताता है कि मैं आपके साथ ज़रूर आऊँगा। फिर जो नारुतो है वो कहता है, हाँ मुझे पता है तुम अपने कर्म से बहुत कुछ कर सकते हो, बट वो कर्म तुम पे ज़्यादा टेक ओवर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं। एंड देन जो बोरुटो है वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए था जब मोमोशिकी ने अटैक किया था। और वो इस बात को बोल के नारुतो से बहस करता है, बट नारुतो उसकी एक बात नहीं सुनता और वो कहता है, मेरी बात सुनो, तुम इस लड़ाई में नहीं आओगे। देन जो नारुतो उसको बताता है, हमें जल्दी से कावाकी को कहीं पे छुपाना होगा। एंड देन जो अमाडो है वो सबको बताता है, जो इशिकी है उसके पास एक ब्याकुगन है, इसलिए हमें कावाकी को ऐसी जगह पे छुपाना होगा ताकि जो इशिकी है वो उसको ढूंढ ना पाए। देन जो शिकामारू है वो उसकी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक होता है कि उसके पास ब्याकुगन है, और वो बहुत ही गुस्सा भी हो जाता है। पीछे से साई आता है और वो उन सबको बोलता है, मैंने सबकी तैयारी कर ली है। और वो नारुतो को बोलता है, मैं तुम लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर लूँगा कि मैंने कैसी तैयारी की है। तो नारुतो उसको ठीक है बोल के जो साई है वो उधर आके कावाकी को उठा के जो अमाडो है और साई है वो चले जाते हैं। एंड उसके पीछे जो बाकी के शिकामारू वगैरह सभी लोग हैं वो भी एक एक करके जा रहे रहते हैं। एंड फाइनली जो नारुतो है वो भी जाने वाला रहता है कि तभी जो सासुके है वो कहता है, तुम आगे बढ़ो, मैं बोरुटो से बात करके आऊँगा। देन जो नारुतो है वो बोलता है, ज़्यादा देर मत लगा देना। देन सासुके बोलता है, ठीक है। तो नारुतो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो नारुतो और बाकी सब है वो लीफ विलेज के हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं, जो कि साई और कटास्की उन लोगों को सजेस्ट करते हैं। एंड देन जैसे वो आगे जाते हैं, जो साई है वो सबको एक्सप्लेन करता है, ये जगह अनबू ब्लैक ऑप्स की थी और ये जगह का ओनर डॉन्जो शिमुरा था।
और इस जगह के बारे में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है विलेज में, और ये जगह के बारे में किसी को भी, और ये जगह की एक फाउंडेशन थी और आपको पता ही होगा उसका ओनर डोंजो ही था। और ये जगह बियाकोगन यूजर्स से भी छुपाई गई थी ताकि जो बियाकोगन यूजर्स है वो इस जगह को ना ढूंढ पाए, इसलिए ये स्पेशल जगह को बनाया गया था। देन जो हमारा है वो इन सारी बातों को सुन के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी हिडन फैसिलिटी इस विलेज में होगी। एंड जो अमाड़ो रहता है वो इस बात को बोल के उन लोगों को थैंक यू बोल देता है। एंड नाउ जो कटास्की है वो और ज़्यादा पागलों की तरह बर्ताव करने लग जाता है और वो कहता है अब ये जो साइंस है वो मेरे से भी आगे जा रहा है और मुझे ये सब मेरे समझ के बाहर है। एंड जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उनको एक बहुत ही बड़ा दरवाज़ा दिख जाता है और उसके आगे लिखा होता है सील, एंड देन वो उस सील के आगे जाते हैं। देन जो साई है वो सबको बताता है कि इस सील में अगर हम कवाकी को रख देंगे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कवाकी यहाँ पे है। एंड जो साई है वो नरुटो को बताता है तुम इस सील को खोल सकते हो और तुम इस सील को बंद कर सकते हो। जैसे ही नरुटो आगे जाता है देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें लीफ विलेज के केज हॉल में बहुत सारे जोनिन लोग के साथ ही साथ फिफ्थ और सिक्स्थ होकागे भी रहते हैं और वो सभी लोग अपने आप बातचीत करते हैं। एंड थोड़ी देर बाद उधर शिकामारू आ जाता है, वो सबको बताता है कि एक आउतोत्सुकी हमारे विलेज में आने वाला है। एंड ये बात को सुन के सभी लोग ज़्यादा शॉक नहीं होते और वो बोलते हैं कि हाँ आउतोत्सुकी ये लोग फिर से आ रहे हैं जो चुनिन एग्जाम में आए थे। एंड देन वो सब लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और वो कहते हैं हम उस आउतोत्सुकी को हरा देंगे। एंड इसी बात के साथ जो जोनी लोग हैं वो भी कहते हैं कि हाँ हमारे पास शिकामारू जी है जो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बट यार नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो शिकामारू है वो सबके सामने जोर से सॉरी बोलता है और वो कहता है कि इस बार मेरे पास सचमुच कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैं किस तरह इस सिचुएशन को संभाल पाऊँ और हमें क्या करना चाहिए, मुझे सचमुच माफ़ कर दो। इसलिए शिकामारू सबके सामने झुक के बहुत ही ज़्यादा सॉरी बोल देता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो टेंटेन है वो कहती है एक आखिर तुम क्या कह रहे हो। एंड इसी बात को सुन के जो चोजी है वो हंसते हुए बोलते हैं हम सारा बर्डन तुम्हारे पीठ पे नहीं आने देंगे शिकामारू, तुम चिंता मत करो। एंड या इसी के साथ बाकी जून इन लोग जो कीवा रहता है वो भी बोलते हैं हाँ हम तुम्हारे अकेले पे ये सब नहीं आने देंगे और हम सब साथ में लड़ेंगे। और जो रॉकली है वो भी यही कहता है एंड सभी लोग जोश में आ जाते हैं और जो फिफ्थ और सिक्स्थ होकागे वो भी हैप्पी हो जाते हैं। एंड शिकामारू इन सब की बातें सुन के खुश हो जाता है और वो कहता है हाँ हम ये कर सकते हैं और वो सबको कहता है कि इस बार हम हमारी पूरी जान लगा देंगे लीफ विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये बात को सुन के सभी लोग एग्री हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो कोनामारू है वो कहता है मुगिनो लॉर्ड सेवन ने डिसाइड कर लिया है कि कवाकी को बचाने के लिए, तो इस बार मैं भी मेरा फुल ट्राई देने वाला हूँ कि इस बार मुझे मेरी लाइफ की सेक्रीफाइस क्यों ना देनी पड़े, मैं इस बार मेरा फुल ट्राई देने वाला हूँ। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो सास्के वो बोल्टो से कहता है मैं लीफ विलेज के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ और ये नरुटो भी कर सकता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। देन जो बोल्टो है वो कहता है मैं देन सास्के बोरुटो को बताता है कि किस तरह सारादा ने मुझे बताया था तुम्हारी पावर के बारे में कि तुम्हारे अंदर जब कर्मा आता है कि तुमने वो अकेले ही उस मॉन्स्टर को हराया था। और जो बोरुटो है वो उसको बताता है हाँ मैं उस समय पूरा ओवर कंट्रोल हो चुका था और मुझे सब फॉगी दिख रहा था और मुझे कुछ भी याद नहीं है उसके बारे में। एंड देन बोरुटो उसको बताता है कि मेरे को बहुत डर लग रहा है कि अगर मोमोशी के मेरे बॉडी पर पूरा कंट्रोल हो गया तो मैं क्या करूँ, कि मैं खुद ही अपने क्या बोलते हैं सपोर्टर्स को मारने लगूँ तो पूरा लीफ विलेज मेरे को एक ट्रेटर समझने लगेगा। तो ये बात को सुन के जो बोट है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फाइनली इशिगे ओत्सुत्सुकी लीफ विलेज में आ जाता है। एंड जैसे ही वो लीफ विलेज में आता है वो अपनी बियाकोगन एक्टिवेट करता है बट उसको कवाकी कहीं पर भी नहीं दिखता। एंड देन जो इनो है वो सबको लीफ विलेज में अलर्ट कर देती है कि जो इशिगे ओत्सुत्सुकी है वो लीफ विलेज में आ चुका है और ये बात को सभी लोग सुन लेते हैं, जो बोटो है वो और सास्के वो भी, नरुटो और बाकी सब को भी इशिगे ओत्सुत्सुकी का चक्रा का सेंस हो जाता है। एंड देन जो जूनी लोग हैं वो सारे लीफ विलेज के आदमी लोग को रिट्रीट यानी किसी सेफ जगह ले जा रहे रहते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो इशिगे वो कवाकी को ढूंढ रहे रहते हैं बट उसको कवाकी कहीं पे भी नहीं मिलता। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो नरुटो वो सबको बताता है कि कवाकी के ऊपर ध्यान दो, मैं जा रहा हूँ उसके साथ लड़ने।
और जो नरूटो है वो वहाँ से चला जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो इनो है वो सबको बताती है जल्दी करना होगा, हमें ये इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरे लीफ विलेज में बताना होगा, हर एक आदमी को इसके बारे में पता चलना चाहिए। एंड जो इनो रहती है वो अपने 110% दे रही रहती है ताकि वो सबको बचा सके, और वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल का पूरा यूज़ कर रही रहती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इसी के सामने 5 जोनिन लोग आ जाते हैं, जो कि रहते हैं चोजी, टेंटेन, कीबा, रॉकली एंड कोनामरू। वो सभी लोग इसी को कहते हैं तुम आज बचोगे नहीं और हम तुम्हें मार देंगे। तो ये बात को सुन के जो इसी के वो कहता है देखा जाएगा, और वो एक टावर पे जाके खड़ा रहता है। देन वो सभी लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एंड कोनामरू भी अपना रसिंगन तैयार कर लेता है उसके ऊपर मारने के लिए। एंड जैसे ही वो लोग उसके ऊपर हमला करते हैं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें लीफ विलेज का हॉस्पिटल दिखा जाता है, जिसमें जो क्या बोलते हैं पेशेंट लोग हैं वो हॉस्पिटल से क्या बोलते हैं डिस्चार्ज हो चुके रहते हैं। एंड जो शारद है वो अभी भी ठीक नहीं होती है कि वो लड़ाई करने के लिए जा रही रहती है। देन मिस्की उसको बताता है शारद रहने दो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। एंड जो शारद है वो उसकी बात नहीं सुनती और वो उसे कहती है मुझे जाना ही होगा, पापा और नरूटो उससे लड़ रहे होंगे। देन जो मिस्की है उसको संभालता है, और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उस ब्लास्ट में सभी जोनी लोग नीचे गिर जाते हैं। एंड जो इसी के रहता है वो बोलता है मुझे मज़ा नहीं आया, ये सभी लोग मर गए। एंड देन जो कोनामरू है वो थोड़े मोमेंट्स देने लग जाता है और वो जिंदा रहता है, और वो इसी से कहता है मैं तुम्हें कवाकी के पास आने नहीं दूंगा, आखिर मुझे मेरी जान क्यों ना देनी पड़े। एंड देन जो इसी है वो और ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसके ऊपर एक पिलर गिरा देता है अपनी श्रिंकिंग एबिलिटी के साथ। एंड देन वहाँ पे हमारा नरूटो की एंट्री होती है और वो कोनामरू को बचा लेता है। एंड देन नरूटो कोनामरू को कहता है थैंक यू मेरे लिए इतना टाइम बचाने के लिए। एंड वो उसको कहता है इन सभी लोगों को यहाँ से ले जाओ। एंड देन कोनामरू उसका ऑर्डर का पालन करता है और वो सभी को लेके चला जाता है। देन नरूटो उसके सामने लड़ाई के लिए आ जाता है। देन इनो नरूटो को कहती है हमने सभी लोगों को बचा लिया, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए तो बचा लिया है, और हमने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया लड़ने के लिए, अब तुम अपनी पूरी जान लगा दो नरूटो। और ये बात को सुन के जो नरूटो है वो अपना कुरामा मोड यानी कि चक्रा मोड को अनलॉक करता है और अपने सेज मोड को भी अनलॉक करता है, और वो अपने बैटल मोड के लिए रेडी हो जाता है। एंड देन जो नरूटो है उसके ऊपर हमला करने वाला रहता है कि तभी इसी की उसके ऊपर भारी पड़ता है और उसके ऊपर एक किक मार देता है। एंड जो नरूटो है वो दूर जाके गिर जाता है। एंड जो नरूटो है वो कहता है इसके मूव्स तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इसी की नरूटो के ऊपर जोरदार लात मारने वाला रहता है कि तभी हमारे सास्के जी की एंट्री हो जाती है और वो अपने रेनिगन से उसको स्विच कर लेते हैं और वो नरूटो को बचा लेते हैं एकदम बैडास एंट्री में। एंड देन वो नरूटो को कहता है जल्दी से खड़े हो जाओ हमें इससे लड़ना है, और वो उसे कहता है तुम्हारे पास जितने भी थ्रोइंग वेपन्स है जैसे कि शुरिकेन्स, कुनाइफ कुछ भी चलेगा सिर्फ फेंकते रहो। एंड देन जो नरूटो वो बोलते हैं इसने आखिर क्या सोचा है, इसकी स्ट्रैटर्जी क्या है। देन वो लोग उसके ऊपर कंटिन्यूस कुनाइफ शुरिकेन्स फेंकते रहते हैं, जो इसी है वो उन सभी कुनाइफ शुरिकेन्स को अपनी श्रिंकिंग एबिलिटी से डॉच करता है। एंड देन फाइनली सास्के अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर फेंकता है एंड वो उस शॉट को श्रिंक नहीं कर पाता। देन इसी की उसको देख कर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो अपने डोजित्सु का भी इस्तेमाल करता है यानी कि उसकी पावर यानी कि श्रिंकिंग एबिलिटी। एंड देन जब उसके सामने शॉट आती है कि देन बूम वहाँ पे बोटो आ जाता है यानी कि अपने कर्मा फॉर्म में। एंड देन जो इसी वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इन्होंने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा चूना लगा दिया। इन हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो सास्के वो कहता है अगर तुमने अपना कंट्रोल खो दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा एक टीचर के नाते लीफ विलेज को बचाने के लिए, इसलिए तो मैं तुम्हारा टीचर हूँ बूटो। एंड देन बूटो इस बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सास्के को अपना पुराना हेडबैंड मांग लेता है। एंड देन सास्के उसको अपना हेडबैंड देता है और कहता है इसे मेरे को वापस दे देना अच्छी कंडीशन में, और जो बूट है वो अपना हेडबैंड निकाल के उस हेडबैंड को पहन लेता है। एंड नाउ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें बूट उसके ऊपर हमला करता है अपने कर्मा सील से और उसे एक दूसरे डायमेंशन में ले जाता है एक पोर्टल के थ्रू।
एंड इस बात को देख के जो नरूटो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो सास्के को पूछता है कि हे आखिर तुम कर क्या रहे हो, ये तुम्हारा स्ट्रेटजी तो नहीं था। देन जो सास्के है वो उसको कहता है टाइम वेस्ट मत करो, हमें जल्दी से कुछ तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो इशिके है वो बोलते हैं ये मोमोची की पावर्स का यूज़ कब से करने लगा, आखिर ये कैसे करना सीख गया, ये बैस्टर्ड मेरे को कहाँ पे लेके आया है और मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा। तभी हमारी एंट्री होती है सास्के और नरुटो की, जो कि सास्के के रेनिगन से इस पोर्टल में आ जाते हैं। एंड देन जो नरुटो है वो बूटो से पूछता है बूटो तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, देन जो बूटो है वो कुछ नहीं कहता और बोलता है मैं ठीक हूँ। एंड जो इसके वो उसको घूर के देख के कहता है इनफीरियर क्रिएचर्स, मुझे इनसे नफरत है। या वो लोग बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ गाइस 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए दिल से शुक्रिया, हमारे 1K हो गए। एंड यार जाते जाते हमारे VSR गेमिंग को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।